friends, welcome to Wrap It Up Shorts. Now, past few days have been very challenging for traders as well as investors on the Deal Street. कल हमने देखा मार्केट यानी कि निफ्टी वॉज डाउन बाय अराउंड 850 पॉइंट्स क्लोजिंग बेसिस पे एंड आज यहां पर 400 ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की हमने रिकवरी देखी। तो मार्केट में क्या हो रहा है एक्चुअली कि आज जो रिकवरी थी वो हमें अभी भी लग रहा है कि हो सकता है ये डेड कैट बाउंस हो। देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट ब्रीच द रीसेंट लो व्हिच वाज वेरी मच नियर टू 16,200। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट आया नहीं, यानी कि निफ्टी नहीं आया। द 200 डे मूविंग एवरेज इज प्लेस्ड एग्जैक्टली नियर 16,750, दैट इज द EMA, एंड SMA इज प्लेस्ड नियर समवेयर नियर टू 16,900 मार्क। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 17,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल प्लस द एंटायर गैप एरिया विच वॉज क्रिएटेड ऑन थर्सडे, यानी कि डे बिफोर यानी कि येस्टरडे जो गैप डाउन हुआ था वो पूरा गैप फिल होगा जब तक 17,000 निफ्टी में आएगा तब वो गैप फिल होगा। तो जब तक ये गैप फिल नहीं होता और गैप के ऊपर मार्केट्स नहीं जाता, आई बिलीव के देर इज अ पॉसिबिलिटी फिर से एक करेक्शन आ सकता है मार्केट में। सो अब हमें करना क्या है, पहले तो जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ओवरनाइट पोजिशन हो सके तो कैरी नहीं करनी स्पेसिफिकली इन F&O। स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अब हमें शुरू करनी चाहिए। कल हमने ड्यूरिंग द मार्केट आज भी लोगों को बताया था कि दिस इज द टाइम जब मार्केट का बुरा वक्त होता है तभी प्राइजेस अच्छे मिलते हैं, बैड टाइम्स में गुड प्राइजेस मिलते हैं हमें मार्केट में। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें कैश में बाइंग करते वक्त या इन्वेस्टमेंट बाइंग करते वक्त हमें एग्रेसिव नहीं होना है, एक साथ सारे पैसे डिप्लॉय नहीं करने, पार्ट बाय पार्ट करना, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो ब्रेकडाउन आया है उसके चलते लोअर लेवल्स लाइक 16,000 टू इवन 15,500 कैन बी सीन इन द कमिंग फ्यू वीक्स। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे इन लेवल्स को आते आते और हो सकता है ऐसे बॉटम भी बन जाए, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये लेवल्स लोअर लेवल्स निफ्टी शायद टेस्ट कर सकता है, बिकॉज आने वाले महीने में या आने वाले एक दो वीक में काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। यानी जैसे कि एक तो पहले जो टेंशन चल रहा है जियो पॉलिटिकल इशू उसको लेकर कोई एस्केलेशन होगा तो मार्केट में फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली वी हैव इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ UP एंड फ्यू स्टेट्स, और थर्डली फेड का रेट हाइक, ये इवेंट अभी भी बाकी है। तो टू कट इट शॉर्ट, डोंट गेट अग्रेसिव वाइल बाइंग एनीथिंग, इन्वेस्टमेंट पर्पज से कैश में बाइंग शुरू कर सकते हैं इन अ स्ट्रैगर्ड मैनर एंड अवॉइड एनी ओवरनाइट फ्यूचर पोजिशंस फॉर एटलीस्ट अ मंथ और टू। मार्च एंड तक टोटली ओवरनाइट पोजिशंस अवॉइड करनी है, बेटर है इंट्राडे में कुछ भी ट्रेड मिले वो ट्रेड करके आप निकल जाए। थैंक यू वेरी मच।